बैक ऑन माय YouTube चैनल वैष्णवी कंबाइन और हियर आई एम वैष्णवी भदौरिया। सो आज मैं रिएक्ट करने वाली हूँ वीआर वन की वीडियो के ऊपर, क्योंकि बहुत लोग कमेंट्स कर रहे थे प्लीज 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 वीआर वन की वीडियो के ऊपर रिएक्ट करो और बहुत अच्छे वीडियोस बनाते हैं। तो मैंने सोचा ओके ठीक है मैं जल्दी जल्दी रिएक्ट करती हूँ। नहीं मैंने लेट कर दिया रिएक्शन में। सो वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले आप लोगों को पता है गाइज आपको क्या करना है। पहली बार अगर मेरे चैनल पे विजिट किया है तो आपको मेरे चैनल सब्सक्राइब करना है, घंटी को ऑन करना है एंड लेट्स गो स्टार्ट करते हैं वीडियो स्टार्ट। और भाई थोड़ी सी कोल्ड ड्रिंक दीजिए ना। कोल्ड ड्रिंक ना। सुखी भाई कसम जिंदगी में बड़ी दिक्कत चल रही है। अरे दिक्कत तो चलेगी, तू गुद्दी साफ करेगा ढंग से, क्योंकि गुद्दी में बुद्धि हो गए। अगर तो पर साफ ना हो ना तो मैं विक्रम कर देंगे साफ फावड़े तक खेच खेच के। अरे यार चीज तो दिक्कत ना आ रही। अरे सेटिंग छो गई यार मेरी। तेरी सेटिंग भी हैगी का लग है तनो हमें तेरी सेटिंग भी होगी। अरे देख ना रे पत्थर सी टाट के। अरे इसका छोरी भाई। अरे वहां को जन्मदिन आ रहा हूँ ना अभी 9 तारीख को, तो वो तो कह रही बेबी मुझको सिंगार दोनी चाहिए। नु कह रही कि मेरे लिए मेकअप किट ले आना, मेरे यहाँ पे फुंसी हो रही है। कितने की आवे वो? 3-4 लाख की आवे वो, हमारे पड़ोसी लाए ट्रैक्टर में धर के। बहुत बड्डी रहे वे वो। भाई कसम इतनी महंगी किस और इतनी महंगी आवे? हाँ कल अपने भैंसे को लेकर आया, खूब भैंसों में पटाई ढूंढ रहा, बुरा होगा भैंसा हमारा। तू सेटिंग तोड़ देवाते। सेटिंग को तोड़ने की चीज रह गया यार, अभी मैंने वहाँ सेकंड हैंड फोन दुआया गुरु, और ऊपर तो 84 दिन को रिचार्ज करवाया। 84 दिन तो चलन दे दी। ओहो पापा जी को फोन आ रहा सुक्की। हेलो कौन भाई? पापा अभी तो पापा अभी तो स्कूल में ही हम आवाज सुनाऊं? इतनी शक्ति मन का। हेलो पापा। हाँ आवाज सुन गई बता। फोन के 4 बज रहे हैं इस टाइम, किसकी प्रार्थना बुलती है रे? पापा दरअसल ना हमारे स्कूल में सुबह और शाम को दोनों टाइम प्रार्थना होती है। अच्छा तो बेटा ऐसा करो घर आके ना निहार काट दो, ये भैंस बड़ी भूखी मर रही है, थोड़ी बाहर की भैंस है ना, इन्हें अगर जल्दी से निहार ना खवायो तो ये छो हो जाएंगी रूस कर चली जाएंगी, कहेंगी बाम मैं तो घर को जा रही हूँ। हाँ पापा तब मशीन वशीन चालू करो, हम अभी आ रहे हैं रॉकेट बैठ के गोली करे। ना 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 मशीन वशीन का कोई चक्कर ना बेटा, लाइट ऑन हो रही है पापा, सारे गांव में लाइट आवे, सबकी लाइट आवे, हमारी क्यों ना आवे। और लाइट आएगी सॉन्ग के 7 बजे, इतना तेरा डैडी वेट ना कर सके, कतई भी जल्दी सी आओ और हाथ पे निहार काट के भैंसों को खिलाओ। पापा हाथ से काटना पड़ेगा। अरे सुखी पापा के फोन हो नू कह रहे हाथ से निहार काटना पड़ेगा। अरे हाथ से निहार कटे कोई? ए लाइट आवे ना गांव में, 2-2 घंटा लाइट आती बस, अब कहो जावे। अरे भाई सब कुछ करो धरो सरपंच को, वहां तो अपने घर में अलग बिजली लगवा रखी है और यहाँ पूरे दिन गांव में गर्मी मर रहे हैं। यार मारे तो इन्वर्टर भी ना, पूरी रात पापा ने बिजली तो हवा करवाई, मैं तो बहुत परेशान हूँ यार गर्मी से। भाई कसम सारे के सारे चल रहे हैं, सरपंच की गुद्दी नोप देंगे। सरपंच की टॉर्च में दे दूंगा लाठी, अगर रात को लाइट आई ना तो देखेंगे दिया बाती। चल मेरे साथी। छोड़ दो सुखी तेरे नया फोन ले लियो, कुछ दिन पहले तू तो 1 रुपया ना। हाँ भाई यू मैंने कल ही खरीदा, क्योंकि मैंने 8,000 रुपए कमाए वी मेट ऐप पे। वी मेट ऐप यू कह रहे? भाई वी मेट एक वीडियो शूटिंग ऐप है, वी मेट पे मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई और लोगों ने मुझे गिफ्ट दिए और उससे मैंने बहुत सारे पैसे भी जीते हैं, यहाँ तक कि वो वीडियोस टॉप पे चल रही है दिल्ली में, और उन पैसों से मैंने ये फोन ले लिया। अरे यार क्या बात है सुखी, मैं भी नया फोन लूंगा, अभी भी मैं टैप डाउनलोड करूँ और मैं भी वीडियोस बनाई करूंगा। भाई तू डांस भी बढ़िया करे, डांस की वीडियो बना। हाँ यार बिल्कुल, मैं भी वीमेट ऐप डाउनलोड करूंगा। चल अबे सरपंच से भी मिल ले, किसी को लेके खा रखो है ना, लेके खा रखो तो सरपंच की बक्कल को उतार देंगे अभी जाके, हर सांस को देखेंगे भीम भीम भीम।
और तारक मेहता के उल्टे चश्मे सीधे कर देंगे और फोन वन फुल चार्ज कर लेंगे, टेंशन मत लो तुम। क्यों सुक्की? हाँ भाई बहुत ज्यादा डरेंगे ना भाई, बिल्कुल ना डरेंगे। क्यों बताओ कि ना बताओ सरपंच तक कहा गया नहीं है? हाँ पूरे गांव में लाइट नहीं आ रही। हाँ मम्मी हाथ तक दूध बिलो रही है, कच्चा हाथ अंदर धोना पड़ रहा है, तई पंखा नहीं चल रहे। हाँ आगे समझ बेटे, डरना नहीं है। चल तो रेडियो सब आओ, जो डर गो समझो बाकी मां कसम। भाइयों बहनों कभी मत डरो, रूह मेरी तड़पेगी जॉनी फिर भी रोएगा। चलो 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 भाई चलो आ जाओ। तुम डरो मत, कोई दिक्कत ना, सरपंच मैं देख लूंगा अपने आप। टेंशन मत ले, क्यों डरो सरपंच, मैं मंत्री बना दूंगा, ऐसे सरपंच ही देखे हमने। आ जाओ दिक्कत ना हुई तो पानी है बिल सारी को, कोई दिक्कत ना है। आजा आजा, कोई ना चैटी मार दी चैटी मार दी। कह सकी तू? कह कह सरपंच साहब देखी हमारी लाइट ना आ रही। तू कह कह ना तू कह तू कह ना तेरे कल पागल हो रहे। उरे 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 घोटा क्या हो रहा है? अरे कहा बात है, अरे खड़े हो, अरे दाब दियो रे, अरे खड़े हो, अरे खड़े हो। अरे कहा चाहिए था मैं, क्यों पागल हो रहे हो? आपके घर में तो बढ़िया लाइट आती रहेगी 24 घंटा, मजे आ रहे फुल। हाँ क्यों? ना ना बस ऐसे ही पूछ रहा है मैं तो, मतलब कि वैसे ही बस पूछ ली, पूछने में कहा जा रहा हूँ किसी को। सरपंच तू कहा समझे अपने आप, मोमो गांव में लाइट ना आवे, मच्छर खा रहे हमें, मम्मी दूध में पिला पा रहे, छा ना पीऊ मैं। हाँ भाई तू कहीं को आया? सरपंच साहब मैं तो पोलियो पियाने वाला हूँ, वो तो तुम कहीं सरपंच साहब एक पोलियो पिया दियो, दो दो बूंद जिंदगी की। बेटा दो बूंद जिंदगी की तू मो पिया, और दो बूंद मैं तो पियाऊं। हाँ भाई कनखड्डू तू कैसा आया? सरपंच साहब वो तो सुखी डीसी लेकर नू कह रहे सरपंच की बक्कल उतारनी है और बाकी नानी आदि आदि ने कहा कह रहा। अरे सरपंच साहब की नौनी मरे 4 साल हो गए। सरपंच साहब, सरपंच साहब क्या कोठी बना दी, बहुत तगड़ी कोठी लग रही है ये तो, ऐसा मोटा फूक दे सुखिया ना वो कमरा अच्छा लग रहा है ना उबार सरपंच को, शीशा बहुत तगड़ा हुआ देखी सफेद शीशा है। हाँ सरपंच कोठी में मजा ही ले रहा हूँ। सरपंच साहब चले हम भाग रहे। मेरा दिल देख के वे तू चुरा गई नी कुड़िये बदामी रंगीये, हाँ तो संग दी तो मुखड़ा छुपा गई नी कुड़िये बदामी रंगीये, नी कुड़िये बदामी रंगीये। ठीक सरपंच साहब व्हाट्सएप बात करेंगे ठीक है। अरे सिंड्रेला तू तो कल कह रही आने को, आज कैसा आ गई? सिंड्रेला ओ सुखी सिंड्रेला आई तो, और यार जब छोटी सी यहाँ ही मट्टी खाती फिरेगी रही, आज देख कितनी बड़ी सिंड्रेला हो गई तू। यार मो विश्वास न हो रहा अपनी अकल पे, कहाँ रह गई इतने दिन से? दिल्ली दिल्ली रह यू पता सुखी, जब सिंड्रेला छोटी सी ना तो यार मम्मी हाई जूली काटती रह गई सिर में, अब तो ना दिखे तेरी जू है ना, अब तो ना दिख रही एक भी। सुखी
सिंड्रेला कितनी बढ़िया लग रही ना जब छोटी सी, जब तो ऐसी रह गई, आज इतनी मलूक लग रही ना मैं क्या बताऊं, दिल में अगर छेद ही कर गई। जब छोटी सी मुझे तो प्यार करेगी, थोड़ा बहुत लाइक पाइक करेगी, पर अगर आज मेरी सिंड्रेला सेटिंग होगी ना तो मैं सिंड्रेला जाएंगे मेट्रो में बैठ के। जो मेट्रो नू कह ना कि दरवाजे बाई तरफ खुलेंगे, वादिन क्या है कि दरवाजे दाई तरफ खुलेंगे, क्योंकि आज डीसी और सिंड्रेला बैठे प्यार के दो जोड़े। तो सिंड्रेला की पड़ रही है, सिंड्रेला ट्रांसफार्म है, लाइट दे गया मैं। मन तो ऐसा कर रहा है सरपंच बांध के किडनैपर के कुआं में फेंक दूं। किडनैप सही रहेगा सुक्की, सरपंच क्यों करा किडनैप, सिंड्रेला नो कर ले किडनैप। ओए ए सेटिंग क्यों कैसे कह रहा है तू, सेटिंग है मेरी बैठी भीतर। सेटिंग कहां कराएगी, लाइट सही है पर सिंड्रेला एक बात सही है, वैसे सिंड्रेला किडनैप कर लेंगे, अपना भी उद्धार हो जाएगा, बात बात कर लेंगे दो चार। सही रहेगा ना, बहुत टॉप रहेगा। चलो लेके क्यों आयो? अच्छा अच्छा अच्छा, मेरे को किडनैप करके लेके आयो ना। किडनैपर ऐसे रह रहे इतने मलूक, देखो कितना मलूक छोरा, मॉडल सा कौन सा मॉडल सुक्की 800 को। अरे किडनैपर ऐसे रह रहे, अगर किडनैपर होते ना तो गाड़ी में फेंक के मार दे, तेरी टांग लगती सीट में और तेरी नोक लगती शीशे में, बदकासी नोक हो जाती तेरी। तो अकल के दुश्मन मुझे लेके क्यों आयो यहाँ पे, ये तो बताओ। अरे हम तो यहाँ मेरे लेके आए, जो तेरा बाप है ना। बाप क्या होता है, मतलब तेरा डैडी। डैडी डैडी तो याद आई, मेरी दाढ़ी बहुत बढ़ रही है, खुजली मचाया मैं, कटवाएंगे इनने। अरे तेना अभी तो कटवाई 20 रुपए की राजुनाई पे। अरे यार वो गलत काट है, वो छील देवे, एक दिन यहाँ छील दियो, एक दिन यहाँ छील दियो, एक दिन तो यहाँ छील दियो, यहाँ कहा मतलब छीलने को, दाढ़ी तो यहाँ रह। हम भाई यार वाकई में राजू बहुत गलत काटा है यार, पिछले साल मैंने गंजी टॉट करवाई, यहाँ कर इतने छेद कर दिए यहाँ, और उस तरह ऐसे ना चला रहा हूँ, ऐसे चला रहा हूँ टॉट में। अरे महाराज मैं यहाँ पे पागल बैठे हूँ, मुझे यहाँ पे क्यों लेके आये ये तो बताओ। सॉरी सॉरी, पता है हमारे घर पूरे पूरे दिन लाइट ना हो, हम इतना परेशान है बिना लाइट के, कुछ भी नहीं कर पा रहे जिंदगी में भाई। क्या हमने तो यही हमारे किडनैप परी है कि तेरे पापा तक है के अपने घर को स्पेशल ट्रांसफार्म लगवा सके और छोटा भीम देख सके। ये छोरा चुटकी बहुत पसंद करे है। ए, ना चुटकी पसंद ना करूँ यार, 10 साल छोटी है, मैं तो छोटा भीम बता रहे हैं। अच्छा अच्छा आप समझी मैं, तो अपने पापा का नंबर दे जल्दी से। वो तो मेरे पास नहीं है, उन्होंने नया नंबर लिया है अभी। पापा का नंबर ना सुक्की, पापा का नंबर कौन लेंगे आपको बताना, सुक्की पापा का नंबर कौन लेंगे। हेलो लक्कू। हाँ सुक्की, एक छोटा सा काम कर दे यार, सरपंच का नंबर ले कहीं से भी। सरपंच का नंबर क्यों कहा होगा? अरे हमने उस सरपंच की छोरी किडनैप कर ली ना। सरपंच की छोरी किडनैप कर ली, ले अभी लाऊं ले। अरे और सुन, बात कराने गया है क्या सरपंच साहब? हाँ अपने नंबर दीजो। क्यों कहा करे? वो सुक्की डीसी ना आपकी लड़की किडनैप कर ली ना, वो मंगा रहे। सिंड्रेला तो देख के एक शायरी लिखट रही है, मतलब ऐसे लिखट के जा रही शायरी कि चांदनी निकलती है चांद से, चांदनी निकलती है चांद से, और तेरे हाथ भूरे है तेरे पाम से। अड्डी जी तू काड़ो है, सरपंच साहब सरपंच साहब कहो को बताओ, तेरे छोरा कहो है? मेरे छोरा पता ही ना कहा है, बाहर ही डोल रहेंगे। हाँ बुला उनने। काहे को? उनने मेरी छोरी किडनैप कर ली। वाह सरपंच साहब छोरी किडनैप कर ली, अब मैं कहाँ से लाऊं तो को नई छोरी? सरपंच साहब वो उनने तो आज तक एक चैटा तक न मारा, छोरी किडनैप कैसे कर ली? बुला रहा ना, बुला रहा हूं। बुला रहा हूं, मैं बुला रहा हूं, कैसे बुलाऊं? फोन कर अभी, नहीं तो गोली निकाल दूं टॉट में कर। फोन पीछे धरो ले गऊं, एक मिनट बस, एक मिनट मिला रहा हूँ सरपंच बेटी, मिला रहा हूँ। 9864231890 सुखी पापा फोन। हेलो हाँ पापा, कौन डीसी बेटा?
पापा फिलहाल तो अभी हम स्कूल में और रोज की रोज यार टाइम तो सकून ना कहा करो तो पापा दरअसल आज ना कैटर ने कैफ आई अपने स्कूल में तो मैंने बंक मार लियो आज हमारे साथ बैठ के वो चिल कर रही है अपने कोल्ड ड्रिंक गचकोला इन्हें पी रही है। अच्छा बेटा मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है जल्दी से घर को आ जाओ मरो जा रहा हूँ ठीक बाबा अभी आ रहे हैं। हाँ बेटा जल्दी आ जाओ मैं बहुत परेशान हूँ बहुत ज्यादा। आ रहे सरपंच साहब आ रहे बस मिनट लगाएंगे ऐसा यहाँ कर ऐसा आएंगे अभी। सुखी भाई पापा के पेट में दर्द हो रहा है यार फिर कैसे कर रहा है ऐसा कर तू जा तू मैं जल्दी आइए जल्दी ठीक है जल्दी आइए। सरपंच साहब बहुत टाइम लगा दिया इन्हें सरपंच साहब पागल बना रहे दिखे हैं इनके गोडे ने तोड़ दूंगा मैं रहा क्यों ना रहे वो सरपंच साहब आ रहेंगे रास्ते में होंगे हॉर्न कर। हाँ पापा थोड़ा बेटा डीसी जल्दी आ जा पापा सुक्की ना पहुंचो अभी थोड़ा बेटा खोल भी ना आया जल्दी आ जाओ तुम जल्दी ठीक पापा मैं आ रहा हूँ तुम टेंशन मत ले मैं आ रहा हूँ मैं अभी एक मिनट में घर होगा हूँ बस एक मिनट दे मो ठीक है जाइए मत हमने किडनैप कर रखी है बाय। सरपंच साहब ओ रेडी डीसी पकड़ो बेटा बहुत बड़ी गलती कर दी थमने भोला सरपंच से पंगा लियो जाते पूरी दुनिया डरे कौपे इन्हें कोठी पे ले चलो। हाँ देखो इन्हें मैं बढ़ाऊंगा मन पूरा लगा के पूरा काम छोड़ दिया भाई चलो तूने ओ सॉरी थमाई यू दिख रही है दिख रही है खूब बढ़िया बिंदु का यू आप दिख रही अरे आप क्यों खराब होगी दिखे मोल लगे डॉक्टर देखो बड़ी हास्य का ही है सरपंच जर लग गई नौकर में लड़ा रहे हो पापा इन्होंने तो मेरा इतना ध्यान रखा है गलत नहीं है ये अच्छे हैं और मेरे को इतना खाने का सामान भी दिया इन्होंने मुझे किडनैप थोड़े किया था वो तो आपको कुछ लाइट का चक्कर चल रहा था इसलिए किडनैप किया था तो घड़ी पता चल भीतर भूरा उड़ा दो इन्हें कहा उड़ा दू ऐ सरपंच साहब तुम कोई पायलट हो हवाई जहाज उड़ाओ तुम ऐ सरपंच साहब अरे तुम पे स्कूटर तो ढंग से चलाने आवे नो अभी दो तीन दिन पहले तो हमारे खरक के पीछे नाली में पड़े स्कूटर लेके स्कूटर चलाते थारी नोक स्कूटर जैसी होगी कुछ ज्यादा फालतू बोल रहे हो तुम एरिया में नाम चले मेरा मेरे नाम तक कॉप है सब धरती हिल जा और थम सरपंच साहब छोड़ दे बालकन ने मैं कह रहा हूँ छोड़ दे छोड़ दू अरे जाओ बेटा तुम भी क्या याद रखोगे किसने छोड़े मौज ले जल्दी से जाओ मतलब अरे जाओ क्यों ना मतलब सरपंच नहीं छोड़ दिया अरे मैं कह रहा हूँ ना बैठ के जाओ सुखी सस्ते में नहीं मट गए सरपंच थे हाँ तो कह ही नहीं मैंने अगर हम वहां जितना डरेंगे तो उतना हमें डराएगो अगर हम ऐसे खड़े रहेंगे डट के तो बिल्कुल ना डरा पाएगा बोले वक्त बिंदु गोली खत्म होगी दिखाई अरे गोली पोड़ी ना वैसे डर को हम तो पूरे गांव में लाइट आ रही है घर में लाइट आ रही है पर हमारे घर में नवारी पापा सरपंच की वजह से नवारी ना सरपंच ने दिक्कत दे दी वाकई तो ऐसी तैसी हुई है तो मैं कहा जरूरत थी वहां के घर जाने की बेटा दो घंटा लाइट आई करी पहला कम से कम अब दो मिनट भी नहीं आ रही दो सेकंड भी नहीं आ रही कर दिया परेशान में पापा आप क्या ऐसे नौ करें जनरेटर लिया किस्त पे ना ये सरपंच ही किडनैप कर ले रहे हैं तेरी ऐसी की तैसी So, आपको ये वीडियो कैसा लगा आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और अगर वीडियो पसंद आया तो
लाइक करना है वीडियो को और शेयर करना है वीडियो को और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, घंटी को भी ऑन करना है। एंड हाँ, और वीडियोस में रिएक्शन देखना है तो आपको कमेंट बॉक्स में जल्दी से अभी भी कमेंट्स करूं, क्योंकि मैं आपके कमेंट्स को लाइक और हार्ट करने वाली हूँ, हार्ट देने वाली हूँ, अपना हार्ट, यस अपना। सो प्लीज जल्दी से कमेंट करो और हाँ, इस वीडियो को शेयर करते रहना, लाइक करते रहना, एंड या दैट्स इट, लव यू, सी यू नेक्स्ट वीडियो।